जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं सुफियान टेक्नोलॉजी। तो फाइनली रेड मैजिक आज अपने प्रीमियम फ्लैगशिप गेमिंग स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर दिया है, रेड मैजिक 7, रेड मैजिक 7 प्रो। आज की वीडियो में मैं आपको इन दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में सब कुछ बताऊंगा, इन दोनों स्मार्टफोन्स के क्या क्या ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस हैं, इन दोनों स्मार्टफोन्स के क्या क्या ऑफिशियल प्राइसेस हैं, ये इंडिया में लॉन्च होंगे कि नहीं होंगे, हम लोगों को वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इंडिया में हम लोगों को कौन कौन से अच्छे अल्टरनेटिव्स देखने को मिल जाएंगे, ये भी बताऊंगा मैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी सब लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप दोस्तों Redmi K50 गेमिंग एडिशन के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो या फिर Poco F4 GT के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, ये कल लॉन्च हो गया था, कल डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको सब कुछ बता दिया था, मैं अनबॉक्सिंग भी दिखाया था, आई बटन पे दे देता हूँ, जाके क्लिक करके देखो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और आई बटन के सारे वीडियोस को चेकआउट करिएगा, बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूँ, आपको जरूर से पसंद आएंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं Nubia Red Magic 7 Pro से। Nubia Red Magic 7 Pro आपको कमाल के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन देता है। यहाँ पर आपको 6.8 इंच का एक फुल एचडी प्लस ओलेड डिस्प्ले मिल जाता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, 960 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है, ये बहुत ही ज्यादा है, 960 हर्ट्ज का, भाई साहब ये बहुत ही कम देखने को मिलता है गेमिंग स्मार्टफोन्स में। HDR 10 प्लस को सपोर्ट करता है, 600 nits का पीक ब्राइटनेस मिल जाता है और DC डिमिंग के साथ आता है, HDR 10 प्लस को सपोर्ट करता है, DCI-P3 कलर गैमेट मिल जाता है, 10 बिट के कलर्स आपको देखने को मिलता है, जो अगेन बहुत ही अमेजिंग बात है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का स्क्रीन प्रोटेक्शन मिल जाता है। बस यार, डिस्प्ले वाइज आपको इतने ही स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं जो बहुत ही धासु हैं। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट छोड़ो भाई, 960 हर्ट्ज का आपको TSR मिलता है, जो एक्सपीरियंस होगा ना यार, इतना क्विकली होगा, आप गेम में अगर कोई भी एक्शन कर रहे हो, रन कर रहे हो, सामने कोई बंदा आ गया BGMI में, तुरंत गोली चलाओगे, उससे पहले आप उसको किल कर दोगे, आपको बहुत ही एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि आपका डिस्प्ले आपको ज़्यादा टाइम दे रहा है, क्योंकि 960 हर्ट्ज का TSR है तो लेटेंसी काफ़ी कम रहेगा और एक्शंस काफ़ी फास्टर होंगे और गेम के ग्राफिक्स भी आपको काफ़ी अच्छे दिखाई देंगे। HDR 10 प्लस को सपोर्ट करता है, कंटेंट कंज्यूमिंग करोगे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा, कंप्लीटली बेजललेस डिस्प्ले, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और याद रखना यार, यहाँ पर आपको कोई भी सेल्फी कैमरा देखने को नहीं मिलता है, मतलब कि अंडर डिस्प्ले कैमरा देखने को मिलता है, आपको कोई भी पंचोल लॉन्च ये सब देखने को नहीं मिलता है, तो कम्प्लीटली बेजललेस लुक है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, देखने में स्मार्टफोन एकदम फ्यूचरिस्टिक लगता है और चिन भी बहुत ही कम रखा है, जो अगेन चार चांद लगा देता है डिस्प्ले को। आपके क्या ओपिनियंस है डिस्प्ले को लेकर कमेंट करके बताना। जनरली गेमिंग स्मार्टफोन्स में बेजल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन Nubia बोलता है नहीं, हम कुछ अलग करेंगे। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कैमरास के बारे में। यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, यहाँ पर आपको वही सेम कैमरा सेटअप मिलता है जो आपको Asus ROG Phone 5S और Asus ROG Phone 5S Pro में देखने को मिलता है। अगर आप इन दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में नहीं जानते हो, ये परसों इंडिया में लॉन्च हुए थे, वीडियो भी बनाया था, आई बटन पे दे देता हूँ, जाके क्लिक करके देखो सब पता चल जाएगा। 64 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, जहां पर आपको सोनी IMX686 का सेंसर मिल जाता है, जो कमाल का सेंसर है यार। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। सेल्फी की बात कर ले तो 16 का सेल्फी मिल जाएगा, यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है, तो यानी कि आपको नॉच पंचोल ये सब देखने को नहीं मिलेंगे। और आप यकीन मानो, ये जो अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी है, ये काफी एडवांस है, फुल्ली अपग्रेडेड होके आया है, आपके फोटोज काफी क्लियर होंगे प्रीवियस जनरेशन के अगर आप अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी से कंपेयर करोगे तो। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं मेन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। मेन स्पेसिफिकेशंस एकदम खतरनाक है, कमाल के स्पेसिफिकेशंस आपको मिलते हैं। यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। UFS 3.1 का शोई सपोर्ट मिलता है, LPDDR5 RAM टाइप मिल जाता है, 5000 mAh के बैटरी के साथ आता है, और आप यकीन नहीं करोगे, 165 वॉट का सुपर फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। यहाँ पर हम लोग 120 वॉट के सुपर फास्ट चार्जर को देख के खुश हो जाते हैं, Xiaomi 150 वॉट के चार्जर को बनाने की कोशिश कर रहा है, Realme भी, और यहाँ पर Nubia वाले 165 वॉट के सुपर फास्ट चार्जर को बना के कमर्शियली अवेलेबल कर दिए। ठीक कहा, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, 5000 mAh के बैटरी को 7 मिनट्स में फुल चार्ज कर देगा, सुन के ही अजीब लग रहा है। Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, Red Magic 5 पे रन करेगा, Red Magic 5 एक कस्टम UI है, ठीक है,
और यहाँ पर आपको डुअल माइक का सपोर्ट मिलेगा और आपको यहाँ पर दोस्तों एक छोटा सा कूलिंग फैन भी देखने को मिलेगा, RGB फैन जो घूमेगा और आपके स्मार्टफोन को ठंडा करेगा और वाकई में ये बहुत ही अच्छे तरीके से ठंडा करता है। और यहाँ पर आपको एडवांस VC लिक्विड कूलिंग भी मिल जाता है, NFC भी मिल जाता है, Wi-Fi 6E भी मिल जाता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 के साथ आता है और यहाँ पर आपको प्रेशर सेंसिटिव एयर ट्रिगर्स देखने को मिल जाते हैं, फिजिकल वाले नहीं मिलते हैं जो Redmi K50 गेमिंग में मिले थे। और हर एक एक प्रेशर सेंसिटिव ट्रिगर में आपको 500 Hz का TSR देखने को मिलता है, मतलब कि बहुत ही फास्ट आपका एक्सपीरियंस रहेगा। रुको यार, अभी बात नहीं खत्म हुआ है। यहाँ पर आपको डुअल सिमेट्रिकल स्पीकर्स मिल जाते हैं जो आपको कमाल का साउंड इफेक्ट देंगे, डुअल एक्सिस लाइनर मोटर्स भी देखने को मिल जाते हैं जो आपको एकदम एडवांस लेवल का हैप्टिक फीडबैक देंगे। गेम में अगर आपको गोली लगेगा ना तो आपको एकदम बहुत तेजी से वाइब्रेट होता हुआ दिखाई देगा स्मार्टफोन और ये नेचुरल होगा, आपको फील होगा कि हाँ भाई कुछ तो बहुत ही खराब हुआ है गेम में, समझ गए ना। और यहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट गेमिंग चिप भी देखने को मिल जाता है जो आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। मेन स्पेसिफिकेशंस बहुत सारे हैं यार, सब आपको मैं बता दिया हूँ, आप बताना कैसे लग रहे हैं मेन स्पेसिफिकेशंस। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। यहाँ पर आपको Qualcomm का लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर मिल जाएगा, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 जो 4 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, Adreno 730 का GPU मिल जाएगा। परफॉर्मेंस वाइज कोई दिक्कत नहीं होगा, हाई ग्राफिक्स पे इजिली गेमिंग कर लोगे, डे टू डे लाइफ में स्मार्टफोन रॉकेट के जैसे चलेगा। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में, हम लोग एक साथ दोनों स्मार्टफोन्स के ऊपर बात कर लेते हैं। Red Magic 7 आता है 9.5 mm के थिकनेस के साथ, 215 ग्राम्स उसका वेट है। Red Magic 7 Pro 9.98 mm के थिकनेस के साथ आता है, 235 ग्राम्स उसका वेट है। अगर आप दोस्तों Red Magic 7 को देखोगे तो आपको वही पुराना डिजाइन देखने को मिलता है, लेकिन इस बारी जो कैमरा होल्डिंग है इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है, लेंसेज बड़े हो गए हैं और जो डिजाइन है वो वैसे ही है जो आपको Red Magic के पुराने गेमिंग स्मार्टफोन्स में देखने को मिल जाता है। वैसे ही आपको एकदम नया ट्रांसपेरेंट डिजाइन देखने को मिलता है, नया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ कुछ पैटर्न वगैरह चेंज किए गए हैं, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है स्मार्टफोन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और फ्यूचरिस्टिक लुक्स दे देता है। अगर आप दोस्तों Red Magic 7 को आगे से देखोगे तो आपको बेजल्स देखने को मिल जाएंगे ऊपर और नीचे, क्योंकि भाई वहां पर स्पीकर्स लगे हुए हैं, रूमर्स तो ऐसे ही है, लेकिन सिमेट्रिकल स्पीकर्स है तो नीचे लगे रहेंगे ना, तो मुझे लगता है वो जानबूझ के बेजल्स दे दिया ताकि गेमर्स अपने हाथ को होल्ड कर सके वहां पर, मुझे तो यही लगता है। अगर आप दोस्तों Red Magic 7 Pro को देखोगे तो वो तो बिल्कुल चेंज है, आपको स्क्वायर कैमरा हाउसिंग देखने को मिलता है, पैटर्न्स भी एकदम नए-नए हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, ट्रांसपेरेंट डिजाइन है, RGB लाइट्स चमकते हैं दोनों स्मार्टफोन्स में, एकदम मजा आ जाता है, फ्यूचरिस्टिक लुक है, देख के दिल खुश हो जाता है। आगे से देखोगे तो कंप्लीटली बेजललेस लुक है Red Magic 7 Pro में, पंचोल नॉच वगैरह कुछ भी नहीं है, कंप्लीटली बेजललेस है और चिन भी देखने को बहुत ही कम मिलता है, मजा आ जाता है देख के। बिल्ड वाइज देखोगे तो दोनों स्मार्टफोन्स ग्लास बॉडी के साथ आते हैं, दोनों स्मार्टफोन्स में आपको एल्युमिनियम फ्रेम मिल जाता है, दोनों स्मार्टफोन्स में आगे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विद टच का स्क्रीन प्रोटेक्शन मिल जाता है। डिजाइन और बिल्ड वाइज दोनों स्मार्टफोन्स फायर है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं Red Magic 7 के बारे में। Red Magic 7, Red Magic 7 Pro दोनों सेम स्मार्टफोन्स हैं, बस कुछ कुछ चेंजेस करके Red Magic 7 को बना दिया गया है, वो चेंजेस आपको मैं बता देता हूँ और कमाल के चेंजेस हैं। Red Magic 7 में आपको 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, सही सुन रहे हो, यहाँ पर अपन लोग 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को देख के खुश हो जाते हैं, 144 हर्ट्ज के सपने देखते हैं और यहाँ पर 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट अपने को दिया जा रहा है, 720 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिल जाता है और ऊपर और नीचे आपको बेजल्स देखने को मिल जाते हैं, बस यही सब चेंजेस हैं, बाकी सब कुछ वही मिलता है जो आपको Red Magic 7 Pro दे देता है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मेन मुद्दे के बारे में, यानी कि प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। ये दोनों स्मार्टफोन्स आज चाइना में लॉन्च हो गए हैं। प्राइसिंग की बात करें तो शुरुआत करते हैं Red Magic 7 Pro से। इसका बेस वेरिएंट है 12 प्लस 128 GB जिसका प्राइस है 56,800 रुपए, 56,800 रुपीज, और 12 to 56 का प्राइस है 61,600 रुपए, 61,600 रुपीज। 16 प्लस 256 GB वाले रैम वेरियंट का प्राइस है 66,300 रुपए, 66,300 रुपीज। 18 GB RAM प्लस 512 GB वाले स्टोरेज वेरिएंट का प्राइस है 77,100 रुपए, 77,100 रुपीज। और 18 GB RAM 1 TB वाला स्टोरेज वेरिएंट भी है जिसका प्राइस है 88,800 रुपीज, 88,800 रुपए। मैं नहीं मानता। और दोस्तों वही बात कर ले Red Magic 7 के प्राइसेस के बारे में। 8128 का प्राइस है 47,300 रुपीज, 47,300 रुपए।
12128 का प्राइस है 52,100 रुपए, 52,100 रुपीज। 12256 का प्राइस है 56,800 रुपए, 56,800 रुपीज। और इसका दोस्तों एक ट्रांसपेरेंट एडिशन भी है। 12256 का प्राइस है 58,100 रुपए, 58,100 रुपीज। और 16GB रैम प्लस 512GB वाले स्टोरेज का प्राइस है 65,100 रुपए, 65,100 रुपीज। तो आपको प्राइसेस कैसे लग रहे हैं, आपके क्या रिएक्शन है, ओपिनियंस है, कमेंट करके जल्दी से बताओ मुझे। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इंडियन अवेलेबिलिटी के बारे में। देखो यार, सुन के आपको बहुत ही सैड महसूस होगा, मुझे भी हमेशा ये सैड महसूस होता है कि रेड मैजिक इतना अच्छा ब्रांड है, अपने स्मार्टफोन्स को इंडिया में क्यों नहीं लॉन्च करता है। सैडली ये दोनों स्मार्टफोन्स इंडिया में लॉन्च नहीं होंगे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। रेड मैजिक को ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको अपने स्मार्टफोन्स को इंडिया में लॉन्च करना चाहिए। इंडिया एक बहुत ही अच्छा देश है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं अपने बिजनेसेस को सेटअप करने के लिए और एक बहुत बड़े ब्रांड बन जाते हैं। अगर आप रेड मैजिक यहाँ पर आओगे, इंडिया में आओगे, तो आप और भी बड़े ब्रांड बनोगे, आप सबको अच्छा कॉम्पिटिशन दोगे। भले ही आप बजट कैटेगरी में अपने स्मार्टफोन्स को लॉन्च ना करो, लेकिन प्रीमियम कैटेगरी में तो लॉन्च करो अपने स्मार्टफोन्स को। लोग बहुत ज्यादा खरीदेंगे और बहुत ज्यादा आपकी तारीफ भी करेंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे। सो प्लीज रेड मैजिक, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज इंडिया में आओ यार, अपने स्मार्टफोन्स को इंडिया में लॉन्च करो। आपके बहुत सारे फैंस हैं इंडिया में, ठीक है, लॉन्च करो प्लीज। आप ग्लोबली लॉन्च कर देते हो, इंडिया में लॉन्च नहीं करते हो। ग्लोबल तक आ गए तो हमारे तक भी आ जाओगे ना, बहुत ही करीब तो है हम लोग, आ जाओ यार। अब इतना मत तरसाओ यार। ए गाड़ी स्टार्ट कर, चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट। ए स्टार्ट, हम फर्स्ट। ए गाड़ी चला। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अल्टरनेटिव्स के बारे में। अगर आपका बजट 30,000 रुपए है और आप गेमिंग स्मार्टफोन्स की तलाश में हो, तो आप पोको F3 GT को जाके परचेज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन है। नहीं तो अगर आपका बजट 50,000 रुपए है, तो आप ASUS ROG Phone 5S को जाके खरीद सकते हो, कल ही परसों लॉन्च हुआ है, बहुत ही मस्त गेमिंग स्मार्टफोन है। नहीं तो आप iQOO 9 Pro को खरीद सकते हो, जो इसी महीने के 23 तारीख को लॉन्च हो जाएगा इंडिया में, वो भी बहुत ही मस्त स्मार्टफोन है अगर आपको गेमिंग स्मार्टफोन्स का तलाश है तो। अदरवाइज अगर आपको नॉर्मल स्मार्टफोन्स खरीदना है, तो Realme GT Neo 2 बहुत अच्छा स्मार्टफोन है, Oppo Nano 7 Pro बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है, और iQOO 9 SE भी आ रहा है, iQOO 9 भी बहुत अच्छा स्मार्टफोन है। Realme 9 Pro Plus की तरफ भी जा सकते हो, वो भी अच्छा स्मार्टफोन है। Infinix Zero 5G वो भी बहुत अच्छा स्मार्टफोन है। कुछ दिन अगर वेट कर लोगे तो Xiaomi 12 सीरीज के स्मार्टफोन्स आपको दिख जाएंगे, Realme GT 2 सीरीज के स्मार्टफोन्स दिख जाएंगे। Samsung Galaxy S22 की तरफ जाना चाहते हो तो चले जाओ, वो भी अच्छा स्मार्टफोन है अगर आपका बजट है 70,000 रुपए तो। iPhones भी ले सकते हो, iPhones भी बहुत अच्छे फोन होते हैं, वो तो सबको पता है अच्छे होते हैं। iPhone 13 और 13 mini और iPhone 12 ये भी बहुत अच्छे iPhones हैं, इनकी तरफ जा सकते हो। ऑल्टरनेटिव्स आपको बता दिया हूं यार, बहुत अच्छे फोन्स अपने को इंडिया में मिल जाते हैं। तो दोस्तों बात यही है कंप्लीट पैकेज Nubia Red Magic 7 और Nubia Red Magic 7 Pro का। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरे बातों से एग्री करते होगे। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आ गया तो इस वीडियो को तुरंत से लाइक कर दो, एम करते हैं 100 लाइक का, जल्दी से कर दो यार। और चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको Nubia Red Magic 7 अच्छा लगा कि Nubia Red Magic 7 Pro अच्छा लगा। मुझे तो Red Magic 7 बहुत अच्छा लगा, आप मुझे कमेंट करके बताना। और मैं ऐसे ही आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ, रात को टेक न्यूज भी देता हूँ, तो टेक न्यूज भी जरूर से देखा करो। और मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, चलो बाय।